ज्वालामुखी उपमंडल के खुंडिया से नाहलिया तक सड़क मार्ग की हालत बेहद खस्ता है, जिस वजह से आए दिन यहाँ हादसे हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी इस मार्ग पर एक जीप सरिये से लदी हुई पलट गई थी और दोपहिया वाहन अक्सर इस पर गिरते रहते हैं। खुंडिया से नाहलिया को जाने वाले परिवहन निगम की बस छिलगा में खराब मार्ग होने के कारण फंस गई, जिस वजह से दोनों तरफ जाम की स्थिति बन गई और लगभग 1.5 घंटे बाद बस को स्थानीय लोगों की सहायता से निकाला गया, जिस वजह से बस में बैठी हुई सवारियों को अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए परेशानी उठानी पड़ी। मार्ग के किनारे किसी स्लैब का कार्य लगा हुआ है और मिक्सर लगने के कारण बस चालक ने बस को थोड़ा घुमाकर निकालने की कोशिश की। इसी दौरान खराब सड़क के खड्डों में बस फंस गई और दोनों तरफ जाम लग गया। कड़ी मशक्कत से बस को स्थानीय लोगों की सहायता से निकाला गया। खुंडिया के संजय कुमार, विकास मनोज, विधि चंद्र, रमेश आदि ने बताया कि वर्षों से यह सड़क मार्ग खराब है और पिछले 10 वर्षों से इस मार्ग की टायरिंग भी नहीं हुई और ना ही पैचवर्क। जनाब रोडों की बहुत बुरी हालत है, घट्टा से लेके सीहोर बल्ला तक ये कुल मात्र 36 किलोमीटर डिस्टेंस है और आज से 15 साल पहले ये इसमें तार कोल डली थी, आज तक ना कोई पैच वर्क हुआ नहीं, इसकी हालत ख़राब है और सड़कों के तो तालाब बने हुए और एक रोड और घट्टा से लेके खिल तक उसकी उससे बुरी हालत है। ना यहाँ पे प्रशासन है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई कर्मचारी है, ना मिले यहाँ पे, जिस वजह से सड़क में गड्ढे व तालाब बन गए हैं और अक्सर वाहन चालक इस पर दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने विभाग से मांग की है कि इस संपर्क मार्ग को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। पीएल टीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।